हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी तिवारी आप सभी का समृद्धि मिथिला कला परिवार में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को 1000 सदस्यों का परिवार होने की बहुत बहुत बधाई और मेरा इतना साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि मैं उनके साथ गोबर शेयर करूँ, तो मैंने गोबर बनाना स्टार्ट किया है और थोड़ी सी जानकारी गोबर के बारे में मुझे लगा कि हमें आपस में इस बारे में बात करनी चाहिए कि गोबर आखिर में है क्या। तो सबसे पहले तो ये मिथिला की कला है, तो गोबर जो है वो मिथिला की विवाह में बनाया जाने वाला, घर की दीवारों पर बनाया जाने तंत्र आधारित जो है थीम है ये जिस घर में वर वधु होते थे, जिस घर में शादी होती थी, तो वर वधु जिस कमरे में रहते थे उस कमरे की दीवारों पर इसे चित्रांकित किया जाता था। उस समय ये दीवारों पर ही बनाया जाता था क्योंकि दीवारें मिट्टी की हुआ करती थी, इसीलिए इसे भित्ति चित्रकला भी कहते हैं। तो जो मिट्टी की दीवारें होती हैं उन्हें भित्ति कहते हैं, भीत कहते हैं, इसीलिए इसे भित्ति चित्रकला भी है, इसका एक जो रूप है उसे भित्ति चित्रकला भी कहते हैं। पर जैसे जैसे समय बदला ये चीज़ें पेपर पर, सिल्क पर, कॉटन पर और अनेक चीज़ों पर बनने लग गई। तो जो अभी हम बनाएंगे गोबर, ये मेनली उसी का एक जो है समग्र रूप हम छोटे से जगह पे बनाएंगे। तो जिस हैंडमेड पेपर पर मैं इसे बना रही हूँ वो फुल साइज़ का हैंडमेड पेपर है, जिसका साइज़ है 30 इंचेस बाय 22 इंचेस, लंबाई 30 इंच है और चौड़ाई 22 इंच के करीब है। और इसे हम पूरे लाल रंग से बना रहे हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि विवाह में काले रंग का उपयोग नहीं किया जाता, उसे अशुभ माना जाता है। तो गोबर क्योंकि विवाह से संबंधित है, वर वधु को दिए जाने वाले आशीर्वाद से संबंधित है, तो इसे पूरे तरीके से लाल रंग से ही बनाया जाता है। अब आधुनिक काल में इसमें और भी अनेक रंगों का इस्तेमाल होने लग गया है, पर काला अभी भी वर्जित है। तो मैं आपके साथ इसे पार्ट वाइज शेयर करूँगी क्योंकि इसे एक बार में बनाकर आपके साथ अगर मैं शेयर करती भी हूँ तो सीखना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे चरणबद्ध तरीके से बनाते हैं तो हम इसे सीखेंगे ही, साथ ही साथ हम इसे समझेंगे भी कि इसमें बनाए जाने वाले जो भी मोटिव हैं उन्हें बनाने के पीछे जिन्होंने इसकी बनाने की शुरुआत की थी उनकी सोच क्या थी। तो जो वर्क मेरा कंप्लीट हुआ है वो मैं आपके साथ अभी मैं थोड़ा बताना चाहूँगी आपको कि अभी मेरा पोस्टर इतना कंप्लीट हुआ है। तो इतना पोस्टर आप भी कंप्लीट कर लेंगे और तब तक हम लोग इसके आगे का पोस्टर मैं भी बनाऊंगी, वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी इसे चरणबद्ध तरीके से बनाएं। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूं कि जब आपका ये थीम, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सच में इसे बनाएंगे, उनका ये थीम कंप्लीट होगा तो पूरी जानकारी के साथ कंप्लीट होगा कि उन्होंने इसमें जो भी चीज़ें बनाई हैं वो क्या है और उन्हें इसमें क्यों बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पोस्टर की। पोस्टर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे परिवार का सदस्य बनिएगा अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो ऑलरेडी इस परिवार के सदस्य हैं उनसे बस यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार यही बनाए रखें। थैंक यू। चलिए देखते हैं पोस्टर को आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पोस्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि मैं बनाते वक्त हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पोस्टर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप एक बार इसे बनते हुए देख सकते हैं और दूसरी बार सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने चार्ट पेपर के एकदम सेंटर में एक सर्कल बनाया है जिसमें 4 लाइन्स हैं, जिसमें सेंटर में एक फूल बना है और बाकी बाहर की 3 लाइन्स में, 3 सर्कल्स में 3 डिफरेंट बॉर्डर बनाए गए हैं। अब मैं उसके ऊपर एक डबल लाइनिंग पिलर नुमा लाइन मैंने बनाई है जिसके ऊपर मैं कमल का फूल मैंने ड्रॉ किया है और इसके बीच में मैं पतले पतले बॉर्डर्स बना रही हूँ और कमल के फूलों को ही बना रही हूँ। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैं कमल का फूल बना रही हूँ। सेंटर वाले सर्कल की जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने शेयर नहीं की है क्योंकि अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेम टू सेम वैसे ही सेंटर का सर्कल भी बनाया गया था, बस उसका एक जो सर्कल है वो इससे ज़्यादा है, इस कारण से उसका साइज़ इससे थोड़ा ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अभी जो हम मैं बना रही हूँ
इसे मिथिला की भाषा में पुरैन कहते हैं, और पुरैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है मिथिला में वो होता है कमल के पत्ते, कमल के फूल के जो लतियों में जो पत्ते होते, कमल की पंखुड़ियाँ नहीं, कमल की लतियों में जो पत्ते होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं ये उन्हें दर्शाता है। वो गुलाई लिए हुए होते हैं और क्योंकि कमल का फूल शुभ माना जाता है तो उसके पत्तों को भी शुभ माना जाता है। इन्हें अरिपन में मेनली एज अ पूजा की थाली बनाया जाता है। तो अरिपन का मतलब ही है कि ईश्वर को अपनी भावना अर्पण करना, तो उसमें पूजा की थाली के रूप में इसे बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे मैंने ऊपर वाले कमल के फूल को जो है इस सेंटर सर्कल या सेंटर पुरैन से जोड़ा था, वैसे ही इसी प्रकार के छोटे छोटे जो आपने एक पुरैन मुझे बनाते हुए देखा है, ऐसे ही पांच और पुरैन में इसके चारों ओर एक पूरी गोलाई लिए हुए शेप में ड्रॉ करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और अब एक एक करके मैं इन्हें पूरा करूँगी। अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ फ्रेंड्स वो आसन कहलाता है। जो भी अरिपन हम बनाते हैं उसके बेस में हम एक आसन बनाते हैं, क्योंकि आपने टॉप पे देखा होगा कि मैंने जो कमल के फूल का सेंटर था उसमें मैंने ह्यूमन फेस बनाया है, तो कहीं ना कहीं इन्हें जीवंत माना जाता है, तो जीवंत है इसीलिए इनके लिए एक आसन बनाया ही जाता है। जो ऊपर की लाइन थी सेम टू सेम उसे ही फॉलो करते हुए नीचे की लाइन बनाई गई है, और आपने देखा जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने वो अपने सिक्स जो सर्कल्स थे उसका वर्क कंप्लीट कर लिया और सबको सेंटर के पुरैन से हमने जोड़ दिया है, क्योंकि ये जो भी हम जुड़ाव देख रहे हैं या जो पुरैन हम देख रहे हैं वो कमल के पत्ते हैं, और ये जोड़ने के लिए जो भी लाइन्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सब उसके मोटे तने हैं जो आपस में एक पूरे के पूरे लताओं का जो एक आप कह सकते हैं वेब टाइप का होता है जो जोड़े रखता है आपस में सबको, जिसमें सेंटर में एक पुरैन है और फिर दोनों साइड थ्री थ्री मिला के कुल सात पुरैन इसमें बनाए गए हैं। इसमें हमने ह्यूमन फेस बनाया है क्योंकि मिथिला में ऐसी एक मान्यता थी कि हर चीज़ जो फैल रही है, और सच्चाई भी है कि पेड़ जो है और पौधे जो है वो लिविंग थिंग होते हैं, तो जो भी जीवंत हैं उसे मनुष्य के जो है चेहरे के रूप में बनाया जाता था। आप ध्यान देंगे तो सूरज चांद के भी चेहरे बनाते हैं हम, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं हमारा इतना वर्क कंप्लीट हुआ है और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब नीचे आप देखेंगे कि मैंने एक डिफरेंट डिज़ाइन जो इन दोनों पुरैन को जोड़ने के लिए बनाया है वो है, तो उसको मैं यहाँ आपको बना के दिखा रही हूँ कि मैंने उन्हें कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने दोनों पुरैन के बीच में एक क्रॉस टाइप का, थोड़ा गुलाई लिए हुए क्रॉस टाइप का ड्रॉ किया, और अब मैं उसके वर्क को कंप्लीट कर रही हूँ। और फिर ऊपर हम एक क्वार्टर सर्कल बनाते हैं जिसमें हम कमल का फूल ड्रॉ करते हैं। ये जो क्रॉस टाइप लाइन्स आपने देखी ये भी लतियों को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी कमल की जो लताएं होती हैं जो फैलती जाती हैं, जो जिनमें पत्ते विकसित होते हैं और ज़्यादा फूल बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसको जो है वो दर्शाती हैं। फ्रेंड्स अभी तो चरणबद्ध तरीके से बनाते वक्त मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो चीज़ें मैं बना रही होंगी, और मैंने ऐसे सोचा है कि जब हमारा ये जो पूरा थीम है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगर आप मुझे कहते हैं, अगर आप इसकी पूरी जानकारी एक बार में चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएंगे। मैं इसके हर एक एलिमेंट की विशेषता को बताने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसी पोस्टर का यूज़ करते हुए इसमें बनाए जाने वाले हर एलिमेंट को उसकी विशेषता के साथ एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हमने एक पुरैन बनाया तो फिर हमने बताया कि सिक्स पुरैन्स वैसे ही बने हैं, वैसे ही अब एक तरफ हमने लत्ती को जोड़ते हुए देखा और अब ये इसी प्रकार से चारों ओर एक गोलाई लिए हुए हम इसी टाइप का जो है क्रॉस बनाते हुए इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट करेंगे। तो जो ये मेन पूरा अभी तक हमने बनाया ये कमल का जो है वो पौधा है जिसमें कमल के बड़े साइज़ का और छोटे साइज़ के पत्ते बने हैं, एक सेंटर में कमल बना है, और फिर जो प्लस टाइप हमने डबल लाइंस खींची, पैरेलल लाइंस खींची जिसके बीच में हमने कमल बनाए, उसके बाद हमने पतली पतली क्रॉस टाइप लाइंस बनाई जिनके अंदर हमने कमल का जो है
डिज़ाइन बनाया, तो ये पूरा अभी तक जो हमने बनाया है वो है पुरैन और कमल का जो है वो पौधा हमने बनाया है। और आप देख सकते हैं इतना वर्क हमारा कंप्लीट हुआ है। आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो ज़रूर पूछें, साथ बनाएं। और इसके आगे जब मेरा काम होता है तो मैं फिर मिलूंगी।